ये पहले बेहोश थे और मेरे कार्यक्रम से होश में आ गए। रीच द वॉटर एंड ट्रीट द वॉटर, मैंने जब ट्रीट किया होश में आ गए। विलम्ब नहीं हो रहा है, कब से बात चल रही? इसीलिए तो ये लोग भूख रहे हैं ना, इसीलिए सोने नहीं दे रहे हैं मेरे को। उन्होंने ये यात्रा इसीलिए हो रही है कि बीजेपी ने लेट कर रहा हूँ, आज के दिन में ये जगाने जा रहे हैं अपने वोट को। जो कह रहे हैं सरकार उन्हीं की बन रही है, आप पार्टिसिपेट करें भैया? तो बन रही 2017 में बन रही थी, 2019 में बन रही थी, कहाँ चले गए? उनके पास 5 वोट था, सपा इकट्ठा थी, बसपा इकट्ठा थी, और जो मुसलमान यादव इकट्ठे थे जिसको टिकट दिया वो इकट्ठा था। उत्तर प्रदेश में यात्राओं का दौर जारी है, सारी पार्टीज यात्राएं निकल रही हैं, तो निषाद पार्टी भी आज लखनऊ से यात्रा की शुरुआत कर रही है, संकल्प यात्रा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद पार्टी के चीफ डॉक्टर संजय निषाद, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, ये यात्रा जो भीड़ में देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ठाक भीड़ आपने यहाँ लखनऊ में जमा कर ली है, पहले तो बताइए जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है, ये साथ एक जोश कहाँ कहाँ जाने वाला लखनऊ से? ये पहले बेहोश थे और मेरे कार्यक्रम से होश में आ गए। रीच द वॉटर एंड ट्रीट द वॉटर, मैंने जब ट्रीट किया होश में आ गए, अब ये जोश आ गया इनके अंदर, अब ये पूरा का पूरा ट्रीट है। टीचर हैं, ये गांव में पढ़ा रहे हैं, फिर सही जगह वोट डलवाने की शक्ति पैदा कर रहे हैं। आज के दिन में पूरे 403 विधानसभाओं में यात्रा चलेगी, लेकिन पहले वो 160 विधानसभा जहां हमारी बाहुलता है पहले उसमें जाऊंगा और उन्हें सही बात बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा वकील रहा है और दिल्ली तक 70 साल से सताए जा रहे थे, सभी ने सताया, कम से कम 7 साल में तुम्हें कितनी वकालत किया, तुम्हें मूर्ख बनाया गया कि तुम्हें पिछड़ी में शामिल किया जाएगा, ऑलरेडी राष्ट्रपति ने तुम्हें शामिल कर रखा, उस पन्ने को फाइल को गायब कराया कांग्रेस ने, उसे दफन करा दिया, सपा बसपा ने उलझाया तुम्हें, उसे खत्म करा दिया। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी इसमें रोड़ा बन रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज कैसे अधिकारी? मैं कहता हूं जो अधिकारी आज के दिन में 70 साल से इनका हिस्सा खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और जो सुख भोग रहे हैं, दिल्ली लेवल पे, लखनऊ लेवल पे, मैं राज्य लेवल पर कहूंगा क्योंकि राज्य में ही हमारा मामला है, राज्य लेवल में सब कुछ हो चुका है। मतलब अपने जो आपका काम अटका हुआ है उसको ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मान रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी को हम उनको मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही उलझाया है, फाइल उन्होंने गायब कराया है, गलत तरीका। हम कहते गिनती हुई ब्यूरोक्रेसी की, 70 लाख थे 1961 में, 3000 कहां से आ गए? केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहां धीमर को राष्ट्रपति ने मझवार के तुरैया में गिनने के लिए कहा था, गिनती क्यों नहीं कराई? हमारा नाम जब राष्ट्रपति ने लिख दिया तो पिछड़ी में क्यों डाल दिया? ये ब्यूरोक्रेसी की देन है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई है, जल्दी से निर्णय हो, मैं चाहता हूँ कि लटकन है क्योंकि विलंब नहीं हो रहा है, कब से बात चल रही? इसीलिए तो ये लोग भूख रहे हैं ना, इसीलिए सोने नहीं दे रहे हैं मेरे को। उन्होंने ये यात्रा इसीलिए हो रही है कि बीजेपी ने लेट कर रहा हूँ, आज के दिन में ये जगाने जा रहे हैं अपने वोट को, 2022 में भाजपा को जगाने जा रहे हैं, वोट को जगाने, साथ वोट को जगाने रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी साथ तय हो गए, 2022 में सरकार बनाएंगे तो जीत चाहिए ना, तो जीत के लिए अभी तक तो गाँव में जीत नहीं देते, मीट देते हैं। हमने कहा मीट मत खाना। बीजेपी जगी हुई है, निश्चित रूप से जगी है, तभी तो हमारी बात कर रही है, 70 साल से तो कोई बात भी नहीं करता। अमित शाह जी के पास भी आप गए, अमित शाह ने क्या कहा? बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य नेतृत्व को, मुख्यमंत्री जी को, नड्डा साहब को भी, कि कम से कम 70 साल से हमारे मुद्दे को बातचीत बहस जब होता तब फैसले होते हैं, 70 साल से तो कोई सुनता ही नहीं। आप जब गए दिल्ली 2-3 दफा जा चुके हैं, क्या बातचीत हुई? सब कुछ देखिए, 70 साल से जो उलझा मैटर होगा, एक एक बार में एक एक जो पन्ना उसमें सही किया जाता है। कुछ आश्वासन तो दिया, उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे आरक्षण हल हो जाएंगे और जल्दी से मिल जाएंगे, मुकदमे भी वापस हो जाएंगे, रोजी रोटी जो छीना था बस। सीट को लेकर, मंत्रालय को लेकर? निश्चित रूप से सीट के लिए बात किया कि भाई जो जीत सकते हो वो सीट अपने सिंबल पर, निषाद पार्टी के चिन्ह जो भोजन भरी थाली है। मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी? वो उनका मामला, अगर वो देते हैं तो धन्यवाद है, और जो कि जीत के लिए हम लोग निकले हैं कि कौन सी सीट हम जीत सकते हैं। कितनी सीटों की मांग है भाई? हम लोगों ने 13 जनवरी 2021 को एक संकल्प रैली गोरखपुर में 1 लाख लोगों के साथ आया था, उसमें ये तय हुआ था कि भाई अगर हमारे सब आरक्षण वगैरह सब मुद्दे हल कर देती भाजपा तो जो भी सम्मानजनक सीटें दे देती है वो एक टारगेट तो लेके चले होंगे ना। हम लोगों का पहले मुद्दा हल है सीट के, वो जीत के जो जीतेंगे, जो जीतेंगे वही सीट लेंगे, मुद्दा पहले हमारा। अमूमन होता है ना, कोई पार्टी जाती है 20, 30, 40, 60, 90। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे बताया था कि 100 सीटों पे आपका दबदबा ईस्ट यूपी, 160 सीटों की उनको लिस्ट भेज दी, 70 बता दिया हमारा बूथ गठन है, मैंने सब बता दिया उन्हें और बता दिया कि ये हमारे मुद्दे हल कर दिए, जो भी 70 सीट डिमांड कर। नहीं, मैंने उनसे कहा कि हमारा पहले मुद्दा हल कर दीजिए, हमारे लोग जो भी सीट दे देंगे खुश हो जाएंगे। 70 मान लीजिए मुद्दा हल हो गया, तब कोई सीट दे देंगे? सीट आप नंबर नहीं बता रहे अभी कोई? और योगी जी से क्या बात? नहीं, महाराज जी से बात हुई है कि भाई अधिकारी तैयार, मतलब उन्होंने मीटिंग कराई थी, सारे अधिकारी उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया, और जो अब्बा जान बहुत चला है आजकल, अब्बा जान बहुत चला है, योगी जी ने अब्बा जान बोला, अखिलेश जी बहुत दुखी हो गए। देखो संविधान विद, कानून विद ने हमें ये जो है दे रखा है कि ये मझवार का सर्टिफिकेट जाने में कोई अड़चन नहीं है, कानूनी इन्हें मिलना चाहिए। मैं अब्बा जान की यहाँ बात करूंगा, अब्बा जान योगी जी ने बोला आप उनके साथ जाने वाले हैं, सेटिस्फाइड है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों। अब्बा जान रिमार्क के साथ है निषाद पार्टी?
नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम केवल अभी निषाद पार्टी के लोग निषाद पार्टी के साथ है, समाज मेरा निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब्बा जान साहब को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? मैं देखो, वो तो जनता उनको उनके बारे में सब कुछ सुना चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार उन्हीं की बन रही है, आप पार्टिसिपेट करें भैया। तो बन रही 2017 में भी बन रही थी, 2019 में बन रही थी, कहाँ चले गए? उनके बाद 5 वोट था, सपा इकट्ठा थी, बसपा इकट्ठा थी, और जो मुसलमान यादव इकट्ठे थे, जिसको टिकट दिया वो इकट्ठा था। ओवैसी फैक्टर क्या कर? 5 वोट ले लिया फिर भी नहीं जीते, निषाद जहाँ खड़े थे वो जीते। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, निषाद वोट बैंक मेरा है। नहीं, कोई भी कह दे 6 महीने में, वो भाड़े के पहलवान से नहीं कुछ होगा, ये सब अखाड़े के पहलवान है। मुकेश सहनी के भाड़े के पहलवान? विज्ञापन से नहीं, ज्ञापन से। हम लोग 826 ब्लॉकों में एक बार में ज्ञापन देते हैं, हम लोग सारे के सारे लोग एक साथ ज्ञापन देते हैं। 403 विधानसभा में, 75 जिलों में ये सारी सेना तैयार हुई, ये सब ये अखाड़े के पहलवान। आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं ओवैसी बीजेपी के आदमी। देखो, हम किसी और के बारे में नहीं बताऊंगा, हम अपने बारे में जान ले। ये समाज जो है 70 साल से सताया गया है, न रोजी है न रोटी है, न तो इनके उनकी रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, इस पर मुद्दा होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि इनके 70 साल से वोट दिया है और इनका घर, इनका रोटी कहाँ चला गया, इनका नौकरी कहाँ चला गया, घर कहाँ चला गया, कपड़े कहाँ चले गए। आज के दिन में 30% ऐसी आबादी है जिसके पास ये निषाद। यात्रा कहाँ से कहाँ जाने वाली? ये पूरे 403 विधानसभा में जाएगी, लेकिन पहले 160 विधानसभा निषाद बाउल है उस पर। कितने दिन चलेगी? पूरे के पूरे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक चलेगी। तक चलेगी? कितने लोग होने वाले? निश्चित रूप से जितना हिस्सा मिलने, जब तक इनका हिस्सा नहीं मिले तब तक ये सब निजी गाड़ियां। हिस्सा तो बीजेपी दिलवाएगी? नहीं, निश्चित रूप से निषाद पार्टी दिलाएगी। इनको ले जा रहा हूँ 2000, तो उसके लिए तो साथ में आना पड़ेगा। लिए जो कार्यकर्ता इन्हें ले जा रहा हूँ जमीन पर दिखाने की गरीबी कितना तेज है, चल के देखो। अगर सदन में जाते हो तो पहले कानून उनके लिए हो जो गरीब तुम्हें। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, सीट बता दिए अराउंड? सीट जो है इतना सीट जरूर मिलेगी कि हमारा समाज, हमारी पार्टी बहुत खुश रहेगा। निश्चित नंबर से नहीं, जीत से होता है, और दो निश्चित रूप से दो अंकों से ऊपर रहेगा। दो अंकों से ऊपर रहेगा, तीन अंकों में रहेगा? तीन अंकों, 100 के ऊपर रहे निश्चित रूप से। आपका तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने आज यहाँ से जनयात्रा शुरू कर दी है और आवाज उठानी शुरू कर दी निषादों की। इनका कहना है कि ये बीजेपी से 2 नंबर ऊपर यानी कि 100 के ऊपर सीट्स डिमांड करने वाले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।